तो भैया अब जो है ना सौरभ जोशी के जो ब्लॉग चैनल है भैया, जो हल्द्वानी के लोग जो है सौरभ जोशी को इतना प्यार सपोर्ट और दुलार करते थे, अब जो है ना भाई उनके नाम के पुतला वहां पे जो लोग है दहन कर रहे हैं। और भाई पुतला दहन करने का भाई रीजन सिर्फ एक ही है, और भाई वो रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले भाई यहाँ पे आप लोगों को मैं कुछ बताना चाहूंगा कि आखिर सौरभ जोशी को जो है पुतला दहन लोग क्यों कर रहे हैं, आखिर लोगों के मन में लोगों के दिल में सौरभ जोशी को लेकर इतना आक्रोश क्यों आ रहा है भाई, क्यों है? तो भैया ये रीजन क्या है ना कि आज से कुछ दिन पहले जो है ना सौरभ जोशी अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था, जिस वीडियो में जो है ना कुछ ऐसा वर्ड का इस्तेमाल किया था जो कि मैं आप लोगों को भाई मैं आपको पहले सुनाना चाहूंगा। यहाँ पे इम्पोर्टेंट मीटिंग विथ पुलिस, ठीक है, इस वीडियो को मैं क्या करता हूँ प्ले करता हूँ और मैं आपको सबसे पहले मैं सुनाता हूँ कि आखिर वो क्या बात किया था और इसी वजह से जो है ना ये ट्रोल हुआ बंदा। ट्रेंडिंग में रोज हल्द्वानी रह रहा है, उत्तराखंड रह रहा है, सुनिएगा काफी अच्छा लग रहा है तो भैया यही जो है ना इसी ये जो वीडियो में जो आपको छोटा सा क्लिप आपने जो सुना ना, इसी वजह से जो है ना सौरभ जोशी जो है अभी ट्रॉल हो रहा है। और ये बंदा जो है ना ये इतना इसके अंदर जो है ना ईगो आ चुका है, इतना एटीट्यूड आ चुका है ना कि ये बंदा ये बोल रहा है अपने वीडियो में कि भैया मेरे वजह से लोग जो है ना उत्तराखंड के मतलब जो है ना जान रहे हैं, या उत्तराखंड के अंदर जो ये हल्द्वानी एक सिटी है उसको जो है ना सौरभ जोशी की वजह से आप लोग जान रहे हो, ठीक है। तो भैया इससे हुआ क्या है कि जो हल्द्वानी को जो आम पब्लिक है वहाँ को जो जानते हैं वो क्या किए भैया कि इनके नाम का जो है ना पुतला दहन करने लग गए। और भैया इन पे जो है ना कि बहुत सारे भाई को जो है ना भ्रास करने लगा इनका पुतला दहन, सौरभ जोशी मुर्दाबाद। और भैया एक गलती बंदा इतना किया था कि अपने वीडियो में जो है ना हल्द्वानी के बारे में बोला था कि भैया मेरी वजह से जो है ना हल्द्वानी को मतलब लोग जो है ना पूरे इंडिया में लोग जान रहे हैं, ठीक है। तो भाई क्या मतलब सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या आप उत्तराखंड को, क्या आप मतलब ये जो सौरभ जोशी अभी आया है यूट्यूब पे, क्या आप उसके पहले उत्तराखंड को आप लोग नहीं जानते थे? क्या आप लोगों को हल्द्वानी के बारे में पता नहीं था? ना ना आप लोग कमेंट करके बताना, क्या आप लोगों को आज से 5 साल 10 साल पहले क्या आप लोग हल्द्वानी के बारे में नहीं जानते थे? ये बंदा अपने वीडियो में कुछ इस तरह के जो है ना बात बोल रहा है, और भैया इस वजह से जो है ना कि लोगों के मतलब मन में जो है ना उनके दिल में जो है ना आक्रोश है। और भाई बिल्कुल होना भी चाहिए क्योंकि एक जो बड़े अब यहाँ पे देख सकते हो भाई कि इसके चैनल पे जो है ना भाई इतना सब्सक्राइबर है, और ये बंदा जो है ना कुछ इस तरह के जो है बात कर रहा है अपने वीडियो में, जो है ना कुछ इस तरह के जो है वर्ड इस्तेमाल कर रहा है, और भाई इस पर जो लोग है कि मतलब मिलियंस में लोग जो है ना ट्रस्ट करते हैं, लोग इसके वीडियो को देखते हैं, आखिर उनके मतलब उनके जो है ना भाई उनके पास में क्या मैसेज आएगा, ठीक है। और भाई सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगा कि ये जो बंदा है इससे मतलब जो है ना मेरे को कुछ समझ में नहीं आता, इसका तो हम वीडियो वो देखते नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक बात बोलूंगा, अभी के टाइम YouTube पर बहुत सारे जो नए नए जो ब्लॉगिंग वीडियो जो है लोग बना रहे हैं भाई, इससे जो है ना बहुत ही बेटर बनाते हैं, बहुत ही अच्छा बनाते हैं, लेकिन फिर भी उसके वीडियो पे जो है ना व्यूज नहीं आता है। और ये जो बंदा है ना भाई पता नहीं भाई मतलब इसके अंदर क्या है, इससे कई गुना अच्छा जो है ना, मैंने बहुत सारे ऐसे मैंने ब्लॉगर का वीडियो मैंने देखा है कि इससे कई गुना अच्छा जो है ना वो वीडियो बनाते हैं, लेकिन फिर भी उसके वीडियो पे जो है ना भाई मतलब व्यूज नहीं आ रहे हैं, उनके वीडियो वायरल नहीं हो रहे हैं। और ये बंदा जो है ना मतलब कुछ भी करता है भाई, मतलब बाहर घूमने गया, घर में खाना खा रहा है, हंस रहा है, कूद रहा है, खेल रहा है, कुछ भी कर रहा है ना, तो इसके वीडियो पे जो है ना भाई लाखों में मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं, मतलब ऐसा कैसे यार, मतलब इसी वजह से जो है ना इस बंदे के अंदर इतना अकड़ आ गया, एटीट्यूड आ गया ना कि आज अपने ये वीडियो में जो है ना वहां के बारे में मतलब जिस थाली में लोग कहावत है कि भाई जिस थाली में खाओ ना उसी में छेद करो, तो भाई ये बंदा जो है ना हल्द्वानी उत्तराखंड से भैया ये जो है ना मतलब आता है, और फिर भी जो है ना भाई उसी के बारे में जो है ना इस तरह के वर्ड इस्तेमाल कर रहा है कि भाई मेरे वजह से जो है ना पूरे इंडिया में लोग हल्द्वानी को जान रहे हैं, उत्तराखंड को जान रहे हैं, तो भाई इस वजह से जो है ना ये बंदा जो है अभी ट्रॉल हो रहा है। और भाई देखो आगे क्या होता है, और ये बंदा जो है हो सकता है वीडियो जो है ना टेकडाउन होगा और
बहुत सारे लोग जो है ना भाई मतलब आक्रोश है क्योंकि इस बंदे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिलहाल मैं आप लोगों से इतना बोलूंगा भाई कि देखो अगर आप लोग इस बंदे को जो है ना सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन भाई इनके जैसा बहुत सारे जो है ना जो स्ट्रगल अभी कर रहे हैं यूट्यूबर, जो छोटे छोटे जो है ब्लॉगर हैं जो ब्लॉगिंग वीडियो बनाते हैं भाई, उनको भी सपोर्ट करो ठीक है भाई। इसके पास में जो है ना भाई पता नहीं है मतलब अपने वीडियो में पता नहीं क्या क्या डाल देता है भाई, कुछ भी मतलब डाल देता है, और भाई इसके वीडियो पे जो है ना भाई मिलियंस में लाखों में करोड़ों में जो है व्यूज आते हैं, और जो इंसान स्ट्रगल कर रहा है इससे लाखों गुना अच्छा जो है ना वीडियो बनाता है भाई, उसके वीडियो पे एक भी व्यूज नहीं आता है। तो भाई आई होप आप सब समझ गए होंगे कि आखिर सौरभ जोशी को जो है पुतला क्यों जलाया जा रहा है, सौरभ जोशी मुर्जाबाद के जो है नारा क्यों लगाया जा रहा है। तो भाई आज के लिए इतना ही, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो भाई वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और अगर आप लोग भाई चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लेना ऐसा ही वीडियो देखने के लिए।